आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ शब्द चिन्ह, आप एक एक चीज ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, इत्मीनान से बहुत तसल्ली से देखिएगा वीडियो, फिर जो जो मैं बताऊंगा आपको ऐसे ही कॉपी में नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। शब्द चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे अभी तक आपने वर्णमाला सीखी, वर्णमाला में जिस तरीके से आपको एक रेखा बताएगी का की ये रेखा होती है, ठीक है, जैसे आपकी रेखा कोई बताएगी कि ये का की रेखा होती है, तो आपने इसको का की रेखा मान के इसकी प्रैक्टिस कर ली। तो ये का क्या होता है, एक व्यंजन होता है, मतलब एक अक्षर होता है, उस अक्षर की ये आउटलाइन हो गई। इसी तरीके से कई अक्षरों को, कई व्यंजन और स्वरों को मिलाकर एक शब्द बनता है। जब कोई शब्द बनता है और ऐसे शब्द, अभी आपको नहीं पता होगा, हिंदी में तो आपको पता होगा लेकिन स्टेनोग्राफी में आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा शब्द कितनी बार आता है, तो हिंदी की स्टेनोग्राफी लिख रहे हैं तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप किसी भी स्टोरी, किसी भी कहानी, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, जहाँ पे भी आपकी कोई स्टोरी होगी उसमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जहाँ पे वो बार बार बहुतायत बार बार रिपीट होते हैं, मतलब आपकी 100 वर्ड में वो 20 बार रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को छाट कर उनके लिए एक निर्धारित सिंबल कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे शब्दों को छाट कर उनके लिए एक सिंबल मार्क कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाएगा लिख के, आपको उसको कॉपी में एक शब्द चिन्ह की कॉपी अलग से बनानी है, उसमें सभी शब्द चिन्हों को नोट करते चलना है, उस कॉपी में शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस नहीं करना है, उस कॉपी में सिर्फ आप जब भी शब्द चिन्ह क्लास में बताए जाएंगे वो सिर्फ नोट करना है और उस कॉपी से रिवीजन करना है, क्योंकि प्रैक्टिस की कॉपी आपकी 8 से 10 दिन में भर जाएगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो 4 से 5 दिन में भर जाएगी और कई कॉपियाँ भर जाएंगी। अगर सारी प्रैक्टिस वाली रेगुलर कॉपी में अगर शब्द चिन्ह नोट करोगे तो आप भूल जाओगे, आगे कोई ऐसे शब्द चिन्ह होते हैं कि रिपीट ही नहीं हो रहे हैं बार बार तो आप भूल जाओगे, तो इसलिए सेपरेट कॉपी बना लेना शब्द चिन्ह की, उसमें सारे नोट करते चलना, और जब रिवीजन, जब बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाए और बेसिक कोर्स के दौरान भी आपको हर दूसरे तीसरे दिन 10-10, 5-5 डिक्टेशन के पार्ट बना लेना है शब्द चिन्ह के पेजों के, उनमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डाल लेना है, मतलब 5 पेज का पार्ट 1 हो गया, फिर नेक्स्ट 5 पेज के पार्ट 2 हो गया, ऐसे उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या देख देख के आपको उनका रिवीजन हमेशा करना है, ताकि वो शब्द चिन्ह रिवीजन रहे, क्योंकि शब्द चिन्ह ही आपकी स्टेनोग्राफी की रीढ़ है। जिस तरीके से इंसान बिना रीढ़ की हड्डी के सीधा बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, बेकार है, ठीक है, बेड पे पड़ा रहेगा, इसी तरीके से बिना शब्द चिन्ह के स्टेनोग्राफी में गति आना पॉसिबल नहीं है, असंभव है, ठीक है। तो अभी आपको शब्द चिन्ह बता जाएंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि शब्द चिन्ह क्या वाला है, ठीक है। तो जितने शब्द चिन्हों का मैं आपको सिंबल बताऊंगा उनको आपको कॉपी में सीरियल से, जैसे ये नोट है ना, ऐसे ही सीरियल से बिना किसी लाइन छोड़े हुए ऐसे ही एक एक करके नोट करते चलना है, वो इधर कोई कॉपी में प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करनी, मतलब खाली पड़ी रहने देना, ठीक है, प्रैक्टिस आपको अपनी रेगुलर कॉपी में करनी है, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको शब्द चिन्ह बता दे रहा हूं, इसके बाद एक एक्सरसाइज बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं शब्द चिन्हों का उसमें प्रयोग होगा, ठीक है। आप जब स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक कोर्स में आपका यूज जो होगा वो पेन यूज नहीं होगा, वो पेंसिल और स्टेनो की कॉपी यूज होगी, शॉर्ट हैंड की नोटबुक अलग आती है, सेपरेट पेंसिल आती है, उसी का आप स्टेनोग्राफी में यूज करेंगे। जब तक आपकी गति 100 वर्ड पर मिनट नहीं हो जाती है और एक्यूरेसी 96 से अबव हो जाए, समझ गए, 96% से ज्यादा एक्यूरेसी, 100+ की स्पीड जब तक नहीं आती तब तक आप स्टेनोग्राफी में पेन का यूज नहीं करेंगे। इतनी स्पीड और एक्यूरेसी में आप परिपक्व अवस्था में हो जाएंगे तभी आप स्टेनोग्राफी में पेन और कॉपी का अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए एक के लिए लाइन के ऊपर, अब देखिए लाइन जो होती है ना कॉपी में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाइन जो कॉपी, जब स्वर की क्लास आई होगी कि कॉपी की जो लाइन होती है उसमें 3 स्थान होते हैं, तो पहले स्थान पर, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले स्थान पर एक डॉट ऐसे बना देना है, तो ये एक का शब्द चिन्ह हो गया। अब जब भी कभी एक आएगा तो आपको का बना के एक की मात्रा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो यही एक लिखा जाएगा, समझ गए। अब जब भी दो द्वितीय आएगा, इन तीनों शब्दों के लिए एक ही रेखा है, मतलब ये वाला दा, ये वाला दा आपका दो दुई दुती दूसरे स्थान पर बना दोगे तो ये दो दुई दुती पढ़ा जाएगा, इन तीनों शब्दों का ये शब्द चिन्ह हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ऊपर पर पै, इन तीनों शब्दों के लिए, अब ये ऊपर पर पै पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा ये टा व्यंजन की तरीके छोटा सा हल्का पहले स्थान पर बनाने से ये पर पै ऊपर पढ़ा जाएगा, ठीक है।
ये आपका बा व्यंजन की तरीके गाढ़ा बनाएंगे एक बार में ही पेंसिल से, ठीक है। मुझे पेन से बता रहा हूं इसलिए आपको बताना पड़ रहा है डबल डबल रिपीट करके। ने व्यंजन पहले स्थान पर, से व्यंजन दूसरे स्थान पर, ये इसका जोड़ा होता है, ये इसके नीचे नोट करना, ठीक है। अब ये ए शेप में, जैसे ए बनाते हो ना, ये ए की तरीके, बस बीच में काटना नहीं है, पहले स्थान पर ये कौन और ये कुछ हो गया, ठीक है। ये जैसे ऊपर पर पै बताया तो ये हल्का है, इसी को दूसरे स्थान पर बना दोगे तो ये मे हो जाएगा, सीधा है, मतलब टा व्यंजन जैसे आप सीधा बनाते हो ऐसे ही ये मे व्यंजन बनता है, ठीक है। अब ये वा का आंकड़ा होता है सी के तरीके, जितना छोटा मैं बता रहा हूं इतना ही छोटा बनाना है आपको, ऐसे या ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। ये तरीका नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे ये शब्द चिन्ह बनेंगे ये पहले स्थान पर। अब कभी भी किसी सेंटेंस में देखिए, स्टेनोग्राफी में कभी भी आपको जब डिक्टेशन का स्पीड टेस्ट होता है तो वहां पे एक एक शब्द नहीं बोला जाता है, वहां पे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी का कोई भाव कोई अर्थ होता है। ऐसे अनर्थ में या कोई बिना किसी सेंस के, विदाउट सेंस की स्टोरी नहीं होती है, तो कुछ वो सेंस भी इसमें काम करता है स्टेनोग्राफी में। तो ये मान के चलिए वाह और वाह आ गया, तो इन दोनों के लिए एक शब्द चिन्ह है ये वाह, और इसी को दूसरे स्थान में बनाओगे तो वे और एवं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हाँ और हूँ के लिए पहले स्थान पर ये वाला हा, हा व्यंजन मतलब पूरा जो हा व्यंजन होता है इसका 1/3 कर लेना, 1/3 लंबाई कर लेना, छोटा सा बिल्कुल बनेगा पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर हु बनेगा। इसका शब्द चिन्ह इस वाले को वह और वा को इधर को पलटा दोगे तो इस हो जाएगा और वे को पलटा दोगे तो इन हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से है, हैं, हाथ, इनके लिए ये वाला हा व्यंजन आधा बनता है पहले स्थान पर, आधे से भी कम बनता है, मतलब 1/3 बनता है, समझ गए। पहले स्थान पर बनेगा है, हैं, हाथ, ठीक है। अब इसी को तीसरे स्थान पर बना दोगे तो हित बनेगा, ठीक है। ये इसका शब्द चिन्ह लिखा गया ऐसे, इस लिख रहे हो इसमें ऐसे अंदर की तरफ शून्य लगाना है छोटा सा और बाहर डैश घुंडी निकाल देना ऐसे, तो ये इसी हो गया, ठीक है। अब इस, अब जब इन है ये इसी हो रहा है तो ये लाइन पर इन ही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए का व्यंजन जैसे आपने बताया था, आपने आ की मात्रा भी पढ़ी होगी, तो जो आ की मात्रा थी वही जोड़ लो, आप समझ लो पहले स्थान पर हल्का बनेगा तो ये आ और का दोनों पढ़ा जाएगा। अब चाहे आ जाए तब भी आ का शब्द चिन्ह बनाएंगे, ऐसे ही जाय का शब्द चिन्ह आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ का शब्द चिन्ह बना के जाय का शब्द चिन्ह बना देंगे, जा का शब्द चिन्ह होता है जा व्यंजन पहले स्थान पर, ठीक है। अब ये का व्यंजन पहले स्थान में बनेंगे तो को का शब्द चिन्ह दूसरे स्थान में बनेगा, ठीक है। ये कॉपी में आपको इतना ही छोटा छोटा नोट करना है, ये मैं और मुझे हो गया तो मा व्यंजन का 1/3 छोटा सा, जैसे देखो ये पूरा मा व्यंजन है इसके 3 टुकड़े कर दो तो 1 टुकड़ा उठा लो, तो ये छोटा सा मा व्यंजन मैं और मुझे पहले स्थान पर पढ़ना है, ठीक है। आप अगर स्टेनोग्राफी बुक में होगा ना तो बुक में आपका ये गाढ़ा दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और इससे वाक्य बनते हैं। वाक्य मतलब जब एक से अधिक वाक्य एक साथ जुड़ना संभव हो तो उसके लिए एक निर्धारित आउटलाइन हो जाती है, जैसे एक रेखाक्षर मैंने आपको बताया, फिर आप शब्द चिन्ह बता रहा हूं, ऐसे ही कई शब्दों को जोड़कर वाक्य बताऊंगा, मतलब 4, 6, 8, 10 शब्दों को, बहुत सारे वाक्य ऐसे बनते 11, 12 शब्दों का एक सिंपल आउटलाइन बन जाती है। तो उस स्थिति में ये अगर मैं शब्द चिन्ह जो आपकी बुक में ऋषि प्रणाली बुक में दिया है वहां पे ये वाला शब्द चिन्ह प्रयोग में नहीं हो पाता, वहां पे पेंसिल को उठा के हमें शब्द अलग हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, जिससे गति प्रभावित होती है, पेंसिल रुकती है तो गति प्रभावित होगी, तो हमें ऐसी आउटलाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ध्यान रखें। सॉरी रुकना, ठीक है। हम हमें ये हो गया पहले स्थान पर, मैं मुझे हो गया, और तो दूसरे स्थान पर हम हमें बनाना, ठीक है। छोटा सा बिल्कुल बनेगा और इनको बहुत आराम से प्रैक्टिस करना है, अभी मैं आपको कॉपी में बता दूंगा, ठीक है। ये की हो गया पहले स्थान पर, छोटा सा चा व्यंजन छोटा सा बनेगा, हल्का बनता है, ये के हो गया पहले स्थान, ये दूसरे स्थान पर। अब ये उस हो गया, ये गाढ़ा बनेगा, जैसे ये मे बनाया है ना हल्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये पढ़ लेते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जहां मे आएगा वहां पे उस नहीं आएगा, वाक्य में सेंस ही नहीं लगेगा आपका। अब ये उस हो गया तो उसी ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से साइडर निकाल देंगे, छोटे छोटे बिल्कुल बनेंगे। अब देखिए कम काम कायम, इन तीनों शब्दों के लिए का व्यंजन हल्का बनता है पहले स्थान पर पूरा, कम काम कायम। अब आपको वर्णमाला नहीं याद करनी है, वर्णमाला आपको बोली नहीं जाएगी कि लिखो का, लिखो खा, लिखो गा, ना, अब आपको स्टोरी बोली जाएगी, अब आपको एक वाक्य बोला जाएगा। अभी तो धीरे धीरे शब्द और वाक्य बोले जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब आपकी स्टोरी चालू हो जाएगी, एक पैरा चालू हो जाएगा, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये कम काम कायम का शब्द चिन्ह का व्यंजन पूरा बनाना है। यहाँ पे देखो
छोटा सा बनाया था, यहाँ पूरा का व्यंजन पहले स्थान पर बना दिया, तो अब इसको का नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना कम काम कायम और प्रैक्टिस कर करके हैबिट डालनी है। इसी को दूसरे स्थान पर बना दोगे तो किया हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये हार्दिक के लिए ये हा व्यंजन पूरा बनाओगे हार्दिक हो गया, हजार हो गया, हार्दिक और हजार। अब जैसे देखो हार्दिक तो अकेला होता है, अब हजार के लिए एक संख्या होगी, जैसे पांच हजार आ गया तो पांच लिख के उसके बगल में हा बना देना, तो ये पांच हजार संख्या बदलती जाएगी, हजार वही रहेगा। दूसरे स्थान पर बनाओगे हुआ हो जाएगा, और कभी हुए आ जाता है तो बीच में स्वर की सहायता ले लेना, हुई आ जाता है तो यहाँ पे स्वर की सहायता ले लेना, ठीक है। हृदय के लिए तीसरे स्थान पर बना देना हा व्यंजन, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अतः अति के लिए ता व्यंजन पहले स्थान पर, ये वाला ता व्यंजन, अब जब भी ये ता अतः अति आ जाता है तो यही वाला ता बनेगा, ये वाला ता नहीं बनेगा, समझ गए। ये वाला ता किसी अन्य शब्द का शब्द चिन्ह होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी शब्द चिन्ह आए तो शब्द चिन्ह में जो सिंबल बताया गया हो, भले ही उस तरीके का उसका विकल्प दूसरा व्यंजन बनता है, लेकिन आपको जो सिंबल जिस शब्द के लिए बताया गया आपको उसी का प्रैक्टिस करनी है। अपना दिमाग बिल्कुल कतई नहीं लगाना जब तक बेसिक कोर्स नहीं खत्म हो जाता, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को दूसरे स्थान पर बनाओगे तो होता नेता भांति तौर, ये वाला ता व्यंजन पढ़ा जाएगा। इत्यादि अत्यंत के लिए ता व्यंजन तीसरे स्थान पर ये बन जाता है। तो अब आपका ये जैसे कॉपी में नोट करोगे तो इस तरीके से नोट करना, ठीक है, जैसे एक के नीचे दो, फिर ठीक है ऊपर पर, फिर नीचे में, फिर हाय हाय हित, मतलब ऊपर पहला स्थान नीचे दूसरा स्थान, इस तरीके से, फिर इधर नोट कर लेना है ना, हमने ऐसे ऐसे बताया आपको सामने सामने, ठीक है। आप इस तरीके से नोट करना, पहला स्थान ऊपर, उसके नीचे दूसरा स्थान, ठीक है, अलग अलग एक लाइन में, आधी लाइन छोड़ देना खाली, समझ में आया यहां तक। अब ना और आना, इन दोनों शब्दों के लिए ना व्यंजन पहले स्थान पर बनेगा, पूरा ना व्यंजन। नहीं होना नीचे के लिए ना व्यंजन दूसरे स्थान पर बनेगा, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब ये देखिए ना है, ये ना है, पहला स्थान दूसरा स्थान। अब ये होंगे के लिए, अब देखो होंगे, आप देखो ध्वनि अंगे निकल रहा है, अंगे, तो अंगा के लिए क्या होता है, ना व्यंजन गाढ़ा किया जाता है। तो ना व्यंजन लाइन पर बनाना गाढ़ा, पेंसिल से गाढ़ा होता है, पेन से गाढ़ा नहीं होता, इसलिए मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना है, आपको एक बार में ही पेंसिल पे प्रेशर डाल देना वो हो जाएगी, और ज्यादा लंबी पेंसिल ना छीलना, पेंसिल कैसे छीलनी होती है मैंने एक वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाना, वीडियो पे एक स्टेनोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारे आपके लिए पेंसिल से और कॉपी से रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, वो देख लीजिएगा, कैसी आपकी पेंसिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किस तरीके से आपको छीलना है, समझ गए। ये होंगे के हो जाएगा, जब होंगे हो जाएगा तो उसी से हम होगा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि होगा में तो अंगा नहीं निकल रहा है, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि हा और गा इसमें भी है और हा और गा इसमें भी है, तो क्यों ना हम इसके लिए हम पूरा हा बनाए और गा बनाए, इतने में बड़ा शब्द हो गया, और शॉर्ट हैंड है तो हम शॉर्ट हैंड को अभी जितना शॉर्ट कर लेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, बाद में शॉर्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसके साथ में होंगे और होगा की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे करेंगे, होंगे होगा, होंगे होगा, अंगा ये गाढ़ा बनाना है, ठीक है, ऐसे, समझ गए, इस तरीके से, यहां तक आपको समझ आ गया। अब ही का ये शब्द चिन्ह हो गया ये, ठीक है, भी का थोड़ा लाइट चली गई, दिक्कत हो गई थी, देखिए ये सा व्यंजन छोटा सा व्यंजन बनेगा, ये भी का शब्द चिन्ह होता है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे, ठीक है। अब ये जब भी का शब्द चिन्ह हो जाएगा तो भी के शब्द चिन्ह में हम आ का स्वर निकाल देंगे, ऐसे आ का स्वर निकालेंगे, भी जोड़ेंगे तो अब अभी हो जाएगा, समझ में आया। अब का व्यंजन पूरा निकाल देंगे तो भी हो जाएगा, तो फिर ये कभी हो जाएगा, ऐसे ही ता व्यंजन पूरा जोड़ देंगे डैश निकाल के ऐसे, तो ये तभी हो जाएगा, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ता व्यंजन के बाद भी जोड़ता नहीं है, तो इसलिए पहले हम ता ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे करके डैश निकालते हैं, फिर ये भी बनाते हैं, ये तभी पढ़ा जाता है, समझ गए, ये इस तरीके से। तो यहां तक आपको सारे शब्द चिन्ह समझ में आ गए होंगे, तो इनको एक अलग सेपरेट कॉपी में मैंने बताया कि उनको नोट करना है, फिर इनकी अभ्यास करना है। अब एक एक शब्द चिन्ह का आपको कम से कम, जैसे एक जोड़ा, एक दो द्वितीय आया, ये जोड़ा हो गया है ना, और कोई कोई शब्द चिन्ह मतलब तीनों स्थान का जोड़ा है, पहले स्थान दूसरे स्थान तीसरे स्थान, जैसे अता अति भांति तौर होता नेता इत्यादि अत्यंत, तीन शब्द चिन्ह है एक ही के, ठीक है, तो उनको एक एक पेज में अभ्यास करना है, समझ गए। अब आगे का कुछ सेंटेंस है, वाक्य है, या अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो रोक के लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो बनाने में भैया बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक कर दिया करो, चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आप चैनल वीडियो लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हम यूट्यूब का एल्गोरिथम चैनल को और लोगों तक भेजता है, तो हमारे व्यूज भी बढ़ते हैं, तो व्यूज बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे मेहनत का कुछ लाभ मिल रहा है, अगर व्यूज कम आते हैं तो फिर मन नहीं होता है मेहनत करने का, ठीक है, तो आपका ही फायदा है हर तरीके से, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर
कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं स्टेनोग्राफी का, बिल्कुल जीरो से 120, 140, 160 वर्ड पर मिनट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको अभी बिल्कुल जीरो का खगा भी नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको, ठीक है, या चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, फेसबुक जहाँ भी आप चाहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।